हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी टिक्की और स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल आटे का गेहूं का आटे का मिल्क केक। और उसके लिए मैं देखिए गैस पे चढ़ा दी हूं ये मोटी सी कढ़ाई, नॉर्मल कढ़ाई है मेरी। तो और इस कप से, अभी जो आपने देखा उस कप से मैंने 3 कप लिया है गेहूँ का आटा। और धीमी आँच पर ही हमें इसे चलाते रहना है, बस चलाते रहना है ताकि ये नीचे थोड़ा सा भी ना जले, इसीलिए लगातार चलाते रहना है। ये बस अभी बैठेगा काफ़ी देर, इसके बीच हम चलिए चाशनी बना लेते हैं। उसी कप से ही मैं 1.5 कप चीनी और 2 कप पानी ली हूँ। तो मैंने मीठा थोड़ा कम रखने के लिए इतना क्वांटिटी ली हूँ, आप चाहो तो ज़्यादा रख सकते हो। बस चाशनी बनके तैयार हो गया, साइड में रख दी। अभी आटे की बारी। देखिए आटे धीमी आंच पर मैं चलाती रहती थी बीच बीच में, तो अभी थोड़ा हल्का सा ब्राउन आ गया था, तो उसके बाद मैं घी डाल दी। घी मैं ली हूँ उसी कप से, 1 कप ली हूँ, तो आधा मैंने घी डाला। अभी घी के साथ भी अच्छे से भुनना है, धीमी सी खुशबू आने लगी है तो इसे भी काफ़ी देर तक चलाना है। वैसे भी कोई भी स्वादिष्ट चीज़ बनाना है तो वक्त तो लगता ही है, तो ऐसे 5-10 मिनट में नहीं होता है, थोड़ा वक्त लगता है। एक्चुअली इसे भुनने में ही जितना वक्त लगता है और किसी चीज़ में नहीं है। तो देखिए ये घी के साथ भी अच्छे से भुना जा रहा है, और आधा घी ही इसमें डला है और आधा घी डलना बाकी है। तो देखिए अभी इसमें बाकी आधा घी भी मैं ऐड कर लेती हूँ, उसके साथ भी अच्छे से मैश करते हुए भुनना है हमें, अच्छे से मसल मसल के। देखिए ये देखिए ये अभी अच्छी तरह से भून चुका है, हमने सूखे में भी आटे को भून लिया और घी के साथ भी अच्छे से भून लिया, अच्छे से वक्त दे के भुना है, तो अच्छी तरह से भून चुका है ये। और गैस को भी ऑफ कर लिया है मैंने, और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसे पक देंगे। और उसके बाद क्या ऐड करूँगी, देखिए ये मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है उसी कप से, तो कोई सा भी ब्रांड आप ले सकते हो। तो देखिए उसको अच्छी तरह से अभी उसके साथ मिक्स करना है, गैस नहीं ऑन करना है, बस गैस ऑफ ही रहे। उसके बाद ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने इलायची पाउडर मिक्स कर लिया है। मैं ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हूँ, इसके लिए आपको मेजरमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपने टेस्ट के हिसाब से मैं ये ले रही हूँ, मैं ज़्यादा चीनी ऐड नहीं की हूँ। तो आप चाहो तो चीनी ज़्यादा ऐड कर सकते हो और उसके साथ घी और थोड़ा दे सकते हो, तो हलवाई जैसे टेस्ट लाने के लिए। ये भी बहुत अच्छा बना है मेरा, बट आपको और टेक्सचर चाहिए तो आप उसमें और घी या और चीनी आप मिक्स कर सकते हो। गैस के ऊपर मिक्स करना थोड़ा दिक्कत हो रही थी तो मैं इसे नीचे ले आई और अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद देखिए ये चाशनी मिला रही हूँ, चाशनी को मैं छान के मिला रही हूँ, थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ मुझे दिखा तो इसके लिए मैंने छान के ले लिया। तो देखिए तो अभी आधा मैं मिलाई हूँ और आधे चाशनी भी मैं डालते हुए अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आराम से जैसे जैसे आप मिलाते जाओगे अच्छे से ये ऑब्जर्व कर लेगा, सारा पानी सोख लेगा। तो ये देखिए एक केक टिन में मैंने अच्छे से घी लगा के थोड़ा ग्रीस कर ली और उसके बाद ये बैटर डाल रही हूँ और इसको अच्छे से सेट कर दे रही हूँ हाथ के मदद से, अच्छे से। सारा काम हम चम्मच से नहीं कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम में हाथ लगाना ही पड़ता है। तो देखिए अच्छे से सेट कर ली, उसके बाद ऊपर मैं बादाम छिड़क रही हूँ, उसको भी मैं थोड़ा सा दबा के सेट कर लूँगी। और इसके बाद इसको 3-4 घंटे के लिए हम बाहर रख सकते हैं या फिर 15-20 मिनट के लिए आप फ्रीज में डाल सकते हो।
देखिए मैंने फ्रिज में डाल दिया था और उसके बाद निकाल के ये मैंने निकाल दिया और इसको पीसेस में कट कर दे रही हूँ। तो ये मेरा मोटा बना है, तो मैं पहले ही बताई थी ज़्यादा क्वांटिटी का बना रही हूँ तो थोड़ा मोटा बना है। तो चलिए इस दिवाली अगर ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। हाँ, अगर जाने से पहले मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेरे साथ जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।